कि कितने विवाह हुए हैं? हाँ, 16,000। ऐसे देखिए, ऐसे तो पूर्ण रूप से विवाह उनका केवल एक हुआ है रुक्मणी जी के साथ, बाकियों को भगवान ने अपना नाम दिया है, उसके पीछे कारण है, कथा है। आइए सुनते हैं। सत्रदिक नामक एक राजा थे, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी। सूर्य नारायण भगवान को वो प्रसन्न करते हैं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, वरदान में क्या चाहिए? बोले, मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे तो बस दर्शन करने थे। सूर्य नारायण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने वो गले में एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। उन्होंने वो मणि उतार कर राजा को दे दी। राजा अब उसको दिन भर पहने रहते। अब मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर उनके पास कोई कीमती वस्तु आ जाए तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। कोई भी हो, हर व्यक्ति करता है। कितना करता है ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई बहुत ज्यादा दिखावा करता है, कोई थोड़े से दिखावे में खुश हो जाता है, पर दिखावा हर कोई करता है। जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, किसी दिन मान लीजिए उन्होंने बहुत अच्छी चूड़ियां पहनी होगी या अंगूठी पहनी होगी, उस दिन उनकी सारी बातें उनके हाथों से होगी। अगर नॉर्मल दिनों में वो ये ऐसे पूछते हैं कि कहाँ थे, जिस दिन चूड़ियां या अंगूठी पहनी है उस दिन जबरदस्ती, कहाँ थे, कितने का है भैया, यहाँ पे रख दो, यहां से ले जाओ, या कोई हार पहना होगा तो उसको बार बार ठीक करेगा। पुरुष भी कम नहीं है, ये अच्छे अच्छे फोन खरीदते हैं, तो ना मैसेज आया होता है ना फोन आया होता है, फिर भी जेब से फोन निकालेंगे। कि सामने वाले को पता चले कि भाई हाथ में कितना अच्छा फोन है। तो दिखावा सब करते हैं, कोई भी हो।